स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करेंगे जो ITI पास कैंडिडेट हैं उनके लिए इफ्को फूलपुर प्लांट में अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें ITI कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं और एज लिमिट क्या है और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फाइनली हम आ गए हैं इफ्को के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहां पर देखेंगे तो ये इफ्को का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर जो रिक्वायरमेंट आई है मैंने करियर सेक्शन में देख लीजिए, आपको आना है यहां पर करियर सेक्शन दिया है, इसमें ही एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको फॉर्म के बारे में हम बताएंगे कैसे फॉर्म क्या फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये यही स्क्रीन पर ही दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस अंडर एक्ट अप्रेंटिस 1961, लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 9/4/2022, लास्ट डेट इसका यही है। आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हो, वहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहां पर देखोगे ये इसका लास्ट डेट जो है 4/9/2022 बताया गया है और ये अप्रेंटिस के लिए आ गई है। इफ्को फूलपुर यूनिट जो है उसमें आई है, उसका यहां पर देखेंगे तो एड्रेस दिया है प्रयागराज जी में है। आप ये देख सकते हैं 22/23 शास्त्र के लिए अप्रेंटिस निकाला गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर मैंसन किया गया है और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, इसमें देखेंगे तो ये डिप्लोमा वालों के लिए है, यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेड के लिए है। हम बात करेंगे जो ITI वालों के लिए है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये BSc से है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, BSc जो किया है उनके लिए है, अटेंडेंट ऑपरेटर या लैब असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर देखेंगे CP करके है, ये यहाँ पर ये पोस्ट है और इनके लिए बताया गया कि आपको पास BSc होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या बायो के साथ होना चाहिए 55% के साथ और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% के साथ, जनरल OBC के लिए 55%, और जो एज लिमिट बताया गया है वो जनरल के लिए 27 और OBC के लिए जो बताया गया है वो 30 है और SC ST के लिए जो बताया गया है वो 32 साल यहाँ पर बताया गया। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिस होगी और आपको 10,350 रुपये मिलेगा आपका स्टेपेंड। और यहाँ पर फाइनली अब हम बताएंगे आपको जो ITI पास कैंडिडेट है उनके लिए बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है या फिटर से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिक से किया है या कोपा से किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो उनके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए वो भी और फिर मैथ और साइंस सब्जेक्ट के साथ। साथ ही में आपका जो ITI होना चाहिए उसमें आपको 60% मार्क्स लाना है और ये जनरल OBC के लिए क्राइटेरिया है और SC ST के लिए 55% क्राइटेरिया रखा गया है। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जनरल के लिए 27 बोला गया है और OBC के लिए बोला गया 30 और SC ST के लिए 32 और ये ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर की होगी। आपका जो स्टेपेंड होगा वो 8,050 रुपया होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद ये जो ये कोपा के लिए अलग बताया गया है, कोपा ट्रेड के लिए 7,700 रुपया है, बाकी 3 ट्रेडों के लिए स्टेपेंड 8,050 रुपया बताया गया है आपको। इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि जो अप्रेंटिस के लिए आपको एक पोर्टल होती है, उस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप जो india.gov.in है उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जो इस वाले ITI वालों के लिए है जो RDIT की वेबसाइट है यहाँ पर लिखा है और बोर्ड की वेबसाइट पर जो डिप्लोमा और BSc वाले हैं वो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सिंपली जैसे आपको डिप्लोमा है तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिप्लोमा वालों के लिए इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। अगर आप ITI हैं तो आपके लिए आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो ITI हैं इस पर वाले पर क्लिक करना होगा, ITI वालों के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको उस प्रोफाइल पर प्रोफाइल पहले बना लेना है और ये BSc और डिप्लोमा के लिए अलग बूट वाले पर रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर
एज क्राइटेरिया के बारे में भी बताया था मैंने आपको, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप नीचे इसके क्राइटेरिया को पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर हिंदी फॉन्ट में कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख के इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे तो यह हिंदी में हो गया, आपकी पूरा डिटेल यहाँ पर आपका जो ये भर्ती है वो यहाँ पर देखेंगे तो ये फूलपुर यूनिट में भर्ती है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये जो घिया नगर प्रयागराज में आता है, घिया नगर पोस्ट ऑफिस है उसी में भर्ती है। आप इनका पिन कोड भी यहाँ है, और ऐसे नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है, अगर आप ये सम्मान जानकारी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि अगर आप प्रशिक्षु के लिए रोजगार इफ्को का दायित्व तो नहीं होगा और शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्वतः कार्यक्रम मुक्त हो जाएगा। मतलब अगर आप अप्रेंटिसशिप से ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे तो आपको यहाँ आपको रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं है इफ्को प्लांट में। और यहाँ पर बताया है केवल आपको ऑनलाइन से आवेदन ही मान्य होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पता है और दूसरे माध्यम से मान्य। और आपका जो यहाँ पर बताया कि परीक्षा, इसमें बताया कि परीक्षा और सचकार के लिए बुलाया गया अनुसूचित जनजाति को जो हैं उन कैंडिडेट को 2S स्लीपर का टिकट दिया जाएगा, सेकंड क्लास स्लीपर का टिकट दिया जाएगा अगर उनको जो बुलाया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के तहत मांगे गए उम्मीदवार को सचकार के समय प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र लाने की आवश्यकता होगी। मतलब जो जिन्होंने आप OBC SC ST यह हैं तो उनको अपना जाति प्रमाणपत्र लाना होगा, ये फोर्थ नंबर में मेंशन किया गया है, चार नंबर पे आप देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेडिकल फीस, पाँच नंबर में बोला गया आपको मेडिकल फिटनेस भी लाना है जब आपका सचकार के लिए बुलाया जाएगा। आपको यहाँ पर यहाँ पर जो छः नंबर में बोला गया है आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो इफ्को प्लांट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराना होगा तब आपकी वो ट्रेनिंग शुरू होगी। और इसके बाद ये बताएगा चयनित उम्मीदवार को शिक्षुता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवास या परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब जो आप अगर ट्रेनिंग करोगे तो आपको रूम और आपको परिवहन सेवा जो होगी वो आपको स्वयं करनी होगी अपनी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है नौ नंबर में वे उम्मीदवार जिन्होंने शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रतीक्षा प्राप्त कर रहे हों वो पात्र नहीं होंगे। जो कैंडिडेट कहीं पर प्रतीक्षा कर रहा है वो पात्र नहीं है अगर कहीं पर अप्रेंटिस कर रहा है। यहाँ पर बताया गया अप्रेंटिस 10 नंबर में बताया गया अप्रेंटिस केवल 1961 के तहत प्रावधानों के तहत शासित होगा। मतलब जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 है उसके तहत ही आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। और 11 नंबर में आपको बताया गया कि आपको अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र, मार्कशीट या जाति प्रमाण पत्र या झूठा या जाली पाया जाता है तो आपकी प्रशिक्षण रिजेक्ट कर दी जाएगी, बिना सूचित किए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 11 नंबर में बताया गया परीक्षा में सचकार के लिए आपको सूचना पत्र पर ईमेल पर भेजा जाएगी, आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपको मेल भेजा जाएगा, यहाँ पर इन्होंने बताया है। और 11-19 आप देखेंगे 13 नंबर उन्होंने बताया केवल एक ही बार एक पद के लिए केवल एक ही बार आवेदन करना है, बार बार आवेदन नहीं, एक से ज़्यादा आवेदन करने पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे उप प्रबंधक कार्मिक प्रशासन इफ्को फूलपुर प्रयागराज यहाँ पर बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आपको इस लिंक पर आना है। और आने के बाद आपको यहाँ पर जो ये दी गई जानकारी है यहाँ पर आप आएंगे तो आप इसको पर क्लिक करना है और इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ से मैं आपको इंग्लिश करके दिखा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए अपने हिसाब से। ये यहाँ पर लिखा है इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड फूलपुर यूनिट प्रयागराज, यहाँ पर बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पूरा फॉर्म मैंने यहाँ पर बता दिया आप कैसे भरेंगे। ये इफ्को फूलपुर
प्लांट में अप्रेंटिसशिप के लिए आई है, ITI पास के लिए। आपको यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करना है, जैसे आप इस पर करेंगे तो आप इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी आपका ट्रेड है आप वहाँ से अपने हिसाब से ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपना यहाँ पर पूरा डिटेल आप इसको फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद आप फिलअप करेंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा यहाँ पर अपनी ITI आपका डिटेल भरना है, आपका यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ITI की सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। आप यहाँ से पूरा डिटेल भर के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई वहाँ पर दे देंगे। धन्यवाद।